तो चलो आज लेके चलते हैं चांदनी चौक कलकत्ता की, जहाँ पे सबसे सस्ते दामों में मिलती है लाइट से लेके इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे सामान होते वो सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना थर्स्टी मिटाने के लिए मैं स्प्राइट एंड स्लाइस दोनों चढ़प करी, क्योंकि साथ में थे मेरे ब्रदर इन लॉ। एंड चांदनी चौक का मेन मार्केट, मेन मार्केट में पहुँच के इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सबसे पहले जो परचेस की वो है मॉस्किटो किलर। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है, तो इस मशीन के हेल्प से आप सटासट मार के मॉस्किटो को किल कर सकते हो। इनफैक्ट इसको एक बात में बोल सकते इंसेक्ट किलर। वैसे काफ़ी मार्केट घूमने के बाद चारों तरफ मेरी जहाँ पे भी आग जा रही थी वहाँ पे सब लाइट्स एंड लाइट्स दिख रही थी, जस्ट बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज़ द दिवाली। और ये वन ऑफ द मार्केट है जहाँ पे लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेट्रा, जो भी यू नो लाइक टेक्निकल कामों के लिए जो सामान होती है वो सब कुछ इस चांदनी चौक के मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप अगर कोलकाता के कोई भी कोने से आना चाहते हो इस जगह में, तो आपको उतरना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन पे चांदनी चौक की। मेट्रो से अगर आप आओगे बहुत इजी रूट पड़ेगा, कोई भी मेट्रो स्टेशन पे आके चांदनी चौक का टिकट काट लो। और अगर आप बाई बस आना चाहते हो तो भी आ सकते हो, लेकिन बस का रूट मुझे पता नहीं है। ये एक दिया है जो कि बहुत ही सुंदर एंड ट्रेंडी लग रहा था, जो कि मैंने दो लिया था और इसका प्राइस 150 करके पड़ा था पर पीसेस। और ये मैं टू ली थी बिकॉज भगवान के सामने रखने में बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। एंड ट्यूनी लाइट, जिसको कहते हैं ट्यूनी लाइट, वो जस्ट ₹30 में मिल रही थी, लेकिन हाँ आपको चेक करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिफॉल्ट निकला तो वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको चेक करके लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वायर भी ले रही थी साथ में, क्योंकि प्लग पॉइंट भी ज़रूरी होती है भाई लाइट लगाने के लिए। तो ये मुझे जस्ट ₹60 में मिली थी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैराइटीज टाइप ऑफ लाइट दिख रही थी, बहुत ही डिज़ाइनिंग टाइप्स, लाइक आपको जैसा भी चाहिए, चाहे वो कलश के ऊपर हो, चाहे वो मोमबत्ती के ऊपर, चाहे वो दिया के ऊपर। सब कुछ खरीदने के बाद हम लोग आ गए पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि फुचका एक द वन ऑफ द मस्ट स्ट्रीट फूड, जो कि हमेशा ही मन करता है खाते रहे। तो यहाँ पे मान भी खा रही थी मीठे पानी के साथ गोलगप्पा, एंड हम लोग तीखे पानी के वाला। उसके बाद सेम मानवी को चाहिए था आइसक्रीम, मानवी ने आइसक्रीम लिया ऑरेंज। एंड आइसक्रीम खाते खाते हम तीनों पहुँच गए स्प्लैनेट के मेन मार्केट में, जो कि क्लॉथ्स मार्केट है। आई मीन वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी, लाइक अम्ब्रेला, शूज़, एंड स्पेशली वहाँ पे बेस्ट जो है मॉल वो है श्री लेदर मॉल। हाँ, वहाँ पे आपको लेदर का सारा सामान मिल जाएगी, जूता, बेल, बैग्स। और यहाँ पे मानवी को पसंद आया था ये वाला स्पेक्ट सनग्लास, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, पहन के ट्राई करी थी, एक दो ट्राई की, उसके बाद मानवी को ये रेड वाला पसंद आया, मुझे वैसे ब्लैक पसंद था। उसके बाद कहते हैं ना लास्ट दिवाली के समय इन लोगों से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, आई मीन स्ट्रीट पे जो खड़े होकर बेचते हैं ना 60, 70 और 100 रुपीज़ के सामान, उन लोग से डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। तो मैं भी एक वो होता है ना सोच के सोची कि इतने सामान अगर खरीदे तो इन लोगों से भी कुछ खरीदे रहते। तो यहाँ से मैं चार चीज़, आई मीन एज यू कैन सी मेरे हाथों में क्या है, चार चीज़ हमने परचेस किया है, और इसका पेयर अप 150 करके पड़ा था, और सामने जो हैंगिंग हो रही है सकल वाला वो भी पड़ा था पेयर अप 100 रुपीज़। तो ये दिवाली शॉपिंग बस यही था, रैंडम हमें मन किया कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं थ्रू माई वीडियो। तो मैं शेयर की, अगर आपको पसंद लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आप आना चाहते हो मेरी इस वीडियो के थ्रू चांदनी चौक, तो आप डेफिनेटली आओ, आपको बहुत कुछ सामान एट द प्लेस मिल जाएगी, आई मीन एक जगह में बहुत कुछ मिल जाएगी। थैंक यू।